हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि अब तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, धारा वैद्युतिकी में, करंट के विषय में, ओम्स लॉ के विषय में, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकों का समूहन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की है, हमने पढ़ाई करी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला है गतिशीलता, मोबिलिटी। यह गतिशीलता क्या होता है? तो गतिशीलता जो है वह अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग पदार्थों पे जब हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एकांक विद्युत क्षेत्र अर्थात 1 न्यूटन प्रति कूलम अप्लाई करते हैं, एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो चालक तार के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वह कितना होता है? एकांक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है वही इलेक्ट्रॉन का गतिशीलता कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है। एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में, और उसे वीडी से सूचित करते हैं। तो एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त अनुगमन वेग ही इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त अनुगमन वेग को ही इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहलाती है। मोबिलिटी जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, और एकांक विद्युत क्षेत्र जब आरोपित करते हैं तो उस टाइम जो वायर में, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है, उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड जो है मोबिलिटी कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, और उस टाइम जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वह वीडी है, मान लेते हैं, ठीक है। कोई कंडक्टर है, कोई चालक तार है, इसके अंदर ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम क्या करते हैं जब इसको एक सेल के द्वारा बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई जो है इस कंडक्टर पे अप्लाई हो रहा है,
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण करंट का फॉर्मेशन होता है। और हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, और वो होता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, यानी जैसे कि जिसको हम मान्यता दिए हुए हैं कि धनावेश का कि प्रवाह की जो दिशा होती है वह विद्युत धारा की दिशा होती है। तो आप जो है सो कि इसको किसी सेल या बैटरी की सहायता से जोड़ करके इस तरीके से इस पे यदि कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है वीडी। कितनी है? वीडी। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। तो यदि हम एकांक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, 1 न्यूटन पर कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र अगर स्थापित करते अप्लाई करते, तब कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती? तो वो हो जाता वीडी अपॉन कैपिटल ई, अर्थात अनुगमन वेग बटा विद्युत क्षेत्र। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़ी आसान से चीज है, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। तो एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जितना अनुगमन वेग होता है वो जो वैल्यू होता है वो हमारा मोबिलिटी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में जो मोबिलिटी है वो कितना है? वीडी बाई ई है। और मोबिलिटी को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, यानी गतिशीलता को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल वीडी बाय ई। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, म्यू इज इक्वल वीडी अपॉन ई। कोई दिक्कत? तो ये होता है मोबिलिटी। कई बार आप म्यू यहाँ पे ई लिखा हुआ पाएंगे, तो ई इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होती है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की बात होती है, इसलिए जो है इसको म्यू ई करके दिखाते हैं, बशर्ते आप म्यू से भी दिखा सकते हैं। गतिशीलता को, मोबिलिटी को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं इसके एसआई मात्र। आप खुद सोचिए कि इसके एसआई यूनिट क्या होने चाहिए। गतिशीलता का एसआई मात्रक, अगर इसके एसआई यूनिट की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल वीडी बाय कैपिटल ई। तो वीडी क्या है? अनुगमन वेग है, एक तरह की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो आपको पता है क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो यदि इसी को अरेंज किया जाए तो क्या हो सकता है? म्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा? मीटर कूलम ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। यानी इसी को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि मीटर कूलम, मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो आप म्यू को ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ऊपर जो है वो स्पीड है, वेलोसिटी है, तो उसका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट एक तो न्यूटन पर कूलम होता ही है, एक होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो अगर इसको ध्यान से आप देखें तो क्या हो सकता है कि मीटर स्क्वायर, ये नीचे है, ये इसको आप मीटर बटा सेकेंड ऐसे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये भी एक यूनिट हो सकता है आपका मोबिलिटी का, और ये भी एक यूनिट हो सकता है मोबिलिटी का। ठीक है, तो मीटर कूलम्ब पर न्यूटन पर सेकेंड या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो ये यूनिट की बात हो गई। अगर बात करें डायमेंशन की बात करें, ठीक है, इसके विमा की बात करें, तो आप जो है सो कि इसके डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट से भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूला से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि
वीमा डायमेंशन। तो इसके डायमेंशन की बात करें तो ये क्या है, मीटर, और ये है कूलम। तो हम लोग मीटर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एल, क्योंकि लेंथ के लिए यूज करते हैं। ये सी किसके लिए है, कूलम। तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एटी। क्या होता है, चार्ज का एटी होता है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था आई बराबर क्यू बाई टी, होता है ऐसा। तो टी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो आई इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। और आई जो है वो करंट होता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल ए होता है, और टी टाइम है तो टी हो गया बराबर क्या, क्यू। तो जो चार्ज का डायमेंशन होता है, जो आवेश का विमा होता है, वो क्या होता है, ए टी। तो मैंने क्या किया, एम का मतलब मीटर लेंथ है तो मैंने एल कर दिया, कूलम यानी किया चार्ज को रिप्रेजेंट करता है तो उसका ए टी हो गया, न्यूटन पर न्यूटन है। तो न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी का पावर माइनस टू होता है, अगर आपको याद हो तो एम एल टी का पावर माइनस टू होता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि या तो इसको आप बटा में लिखिए, नहीं तो जो भी लिखिएगा उसका डायमेंशन उसका पावर माइनस वन करना होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये जो न्यूटन का पावर माइनस वन है तो उसको आप नीचे लिख सकते हैं, और उसके लिए नीचे कर सकते हैं ऐसा, एम एल टी का पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये न्यूटन का डायमेंशन हो गया, पर न्यूटन का जो यहाँ पे, और पर सेकेंड मतलब नीचे सेकेंड आएगा, तो एक जो है सो की टाइम और नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से देखें तो एल एल जो है सो की वो दोनों सेम डायमेंशन है, एल एल कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा एम बचेगा नीचे। तो इसको जब ऊपर आप ले जाइएगा तो क्या होगा, ऊपर जब आप ले जाएंगे तो हो जाएगा कि एम टू द पावर माइनस वन, एल तो जीरो हो जाएगा, वो बचेगा नहीं, ए आपका बचेगा, और ए टी से टी कैंसिल हो जाएगा और टी का पावर टू हो जाएगा। तो ये जो है आपका डायमेंशन हो जाएगा, विमा हो जाएगा किसका, मोबिलिटी का।